मैंने बस ऊपर से मस्त मस्त फोटोज क्लिक कर लिए। अगर फोटोज देखते हैं ना आपको तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि आप इतना खर्चा करके कहीं पे जाते हो तो वो वसूल भी तो होना चाहिए कि नहीं। मेरे सामने ये ऐसा व्यू है, गुड आफ्टरनून गाइस। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं गया था तेंबलिंग बीच एंड फॉरेस्ट। भाई काफ़ी खतरनाक रास्ता था वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन यार वो जो प्लेस है ना वो एक नंबर प्लेस थी, काफ़ी मज़ा आ गया। पर ना अभी मैं आया हूँ यहाँ पे किलिंग किंग बीच पे, तो देखते हैं यार। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है, कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। बट ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे जाके ये कैसा होने वाला है, ये केलिंग किंग बीच है ना, तो चलो चलते हैं। तो भाई आ गया मैं यहाँ पे केलिंग किंग बीच पे, और यहाँ पे बहुत से मंकीज हैं। तो भाई ये केलिंग किंग बीच, और आप वहाँ पे ना नीचे तक जा सकते हो, और आप देख सकते हो ना तो वहाँ पे बहुत से लोग हैं, तो बहुत ही सुंदर है यार। का एक शेव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर आप देख सकते हो ना बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, बट ये जो बीच है ना ये वन ऑफ दी मेन अट्रैक्शन है अगर आप नुसा पेनिदा आते हो। भाई नीचे अगर जाते हो तो कितना टाइम लगेगा जाने में और आने में कितना लगेगा, लेकिन यार पानी देखो आप, कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार, और पूरा मतलब टर्कोइज ब्लू वाटर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। ऐसा कुछ ये बीच है केलिंग किंग बीच, और बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहो ना तो नीचे जा सकते हो, लेकिन यार बहुत नीचे, और मैं तो नहीं जाने वाला नीचे। मैंने तो बस ऊपर से मस्त मस्त फोटोज क्लिक कर लिए। अगर फोटोज देखते हैं ना आपको तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एक ही चीज़ है यार कि ये स्पॉट बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है यहाँ से आप, और ये वहाँ पे आप नीचे ट्रेल देख सकते हो, यहाँ पे आप नीचे जा सकते हो। लेकिन वही है यार कि थोड़ा सा अभी क्राउडेड है, काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बट काफ़ी सही है। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलो तो भाई फाइनली ये भी बीच देख लिया, केलिंग किंग बीच। अब यही है ना कि मतलब जो मेन अट्रैक्शन से रहते हैं वो तो हमें देखना ही चाहिए है ना, तो इसलिए मैं आ गया। हालांकि मुझे ना मोस्ट टूरिस्टिक प्लेसेस ज़्यादा पसंद नहीं है यार। ये देखो कितनी भीड़ है, आप देख सकते हो। मुझे ज़्यादातर लेस टूरिस्टिक प्लेसेस ज़्यादा पसंद है, बट ये जो स्पॉट है ना ये मतलब मस्ट विजिट प्लेस है यहाँ पे। अगर आप नुसा पेनिदा आ रहे हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए। आई थिंक अगर आप सुबह जल्दी आते हो ना तो आपको भीड़ कम मिलेगी। अभी यार भूख लगी है मुझे, कुछ तो भी खाने का जुगाड़ देखते हैं है ना। देखो भीड़ देखो भाई, भाई जत्थे के जत्थे आ रहे हैं देखने, ऐसा जैसे कि मेला लगा हुआ है। चलो चलते हैं। 20 minutes later भाई फाइनली पहुंच गए ग्रुप पे, चल रहा हूँ अभी नीचे। यार बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी भाई, बहुत ज़्यादा, और रास्ते बहुत ख़राब है यहाँ के। और यहाँ पे ना मतलब ब्रोकन बीच और एंजल बिलाबोंग ये मतलब नज़दीकी है, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई फाइनली पहुँच गए आइकॉनिक ब्रोकन बीच पे, ये देखिए। एक ब्रिज टाइप ऐसा बना हुआ है, और ये ऐसा बीच में से ये ब्रोकन है, इसलिए इसको ब्रोकन बीच कहते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है यार,
तो भाई बेसिकली ऐसा ये ब्रोकन बीच है और काफ़ी सुंदर है यार, लेकिन वही है कि ओवर क्राउडेड है, गर्दी ज़्यादा है, बट सही है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखो मैं यहाँ से आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ फिर से एक बार ब्रोकन बीच का, भाई सुंदर है मतलब सच में। मेरे पीछे ब्रोकन बीच और भाई ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है नूसा पेनिदा, अगर आप आते हो तो कितना भी क्राउडेड क्यों ना हो आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि ये जो आप अपनी आंखों से जब देखोगे ना वो जो आपका अनुभव होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो फटाफट से दो चार फोटो निकाल लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए और मिलता हूँ आपसे। थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आते हैं यार घूमते, क्योंकि उधर से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार। अगर आप किसी जगह पे जाते हो ना उसे पूरा थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो यार, उसे थोड़ा पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो तो मज़ा आता है ना, क्योंकि आप इतना खर्चा करके कहीं पर जाते हो तो वो वसूल भी तो होना चाहिए कि नहीं। चलो भाई फ़ोटोज़ वगैरह तगड़ी तगड़ी निकाल लिए, अगर फ़ोटोज़ देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए भाई, क्योंकि मैं रियल टाइम अपडेट्स वहीं पे रहता हूँ कि नेक्स्ट मेरी जर्नी कहाँ पे रहने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और चैनल पे अगर न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पे आती है और आगे भी आती रहेंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, इतनी सारी पब्लिक वहाँ पर है क्योंकि वहाँ से फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक है। चलो थोड़ा इस साइड चलते देखते क्या सीन है। क्या नज़ारा है यार, मतलब खुश कर दिया यार नूसा पेनिदा ने, मज़ा ही आ गया। प्लेस है नूसा पेनिदा में, और खास करके अगर आप इंडोनेशिया आ रहे हो, बाली आ रहे हो ना, तो नूसा पेनिदा बिल्कुल आओ यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने के लिए और दो दिन में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, तो नूसा पेनिदा मिस मत करना यार। तो भाई ये है ब्रोकन बीच का पिछला पार्ट, मतलब पीछे का पार्ट, यहाँ पे आगे ब्रोकन बीच और इसके पीछे है ये पूरा समंदर, बहुत ही सुंदर है यार, मतलब सही है यार। सच कहूँ ना तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मुझे पसंद नहीं है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, लेकिन क्या है ना कि अभी ये जो प्लेसेस है ना ये मस्ट विजिट प्लेसेस है यार, तो ये आपको करनी ही करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया भाई। ये देखो अभी यहाँ से नजर बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप है लेकिन हवा है तो अच्छा लग रहा है यार, नहीं तो फिर गर्मी होती, लेकिन गर्मी नहीं हो रही है अभी क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, वाह मज़ा ही आ गया भाई एक नंबर। तो भाई ये था ब्रोकन बीच और बहुत ही सुंदर है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते बाहर, पहले कुछ खाते हैं अभी क्योंकि लग रही मुझे भूख, और फिर देखते यार, मतलब फिर डिसाइड करते कि अभी कहाँ जाना है, क्योंकि मैं आज के ही दिन यहाँ पे हूँ, कल यहाँ से निकल जाऊँगा मैं, कल मैं हॉस्टल से चेकआउट करने वाला हूँ और कल हम जाएंगे गीली त्रवांगन। भाई आगे की आने वाली वीडियोस है ना वो बिल्कुल मिस मत करना, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस रहने वाली है, वो वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना। इससे पहले कि अगर वीडियोस नहीं देखी है ना तो आई बटन पे लिंक है, प्लीज जाके चेकआउट करो यार सीरीज़ को, और आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है ना। तो चलो निकलते अभी यहाँ से। फोटोज़ वगैरह निकालने के लिए सिर्फ वो ब्रोकन बीच ही नहीं है, मतलब हाँ वो फेमस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे आप मतलब अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो आपके इंस्टाग्राम के लिए। यार काफ़ी भूख लगी थी ना तो सोचा चलो अभी यहीं पे खा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर आया तो मुझे ये ऐसा कैफ़े दिखा, काफ़ी सुंदर है, और मेरे सामने ये ऐसा